द मार्वल्स 2023 मार्वल स्टूडियोज फिल्म। द मार्वल्स 2023 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है। मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित यह फिल्म कैप्टन मार्वल 2019 की अगली कड़ी है, टेलीविजन लघु श्रृंखला सुश्री मार्वल 2022 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स MCU में 33 फिल्म है। क्लोजिंग पैरेंथेसिस डॉट। फिल्म का निर्देशन निया डेकोस्टा ने किया था, जिन्होंने मेगन मैकडोनल और एलिसा कारासिक के साथ पटकथा लिखी थी। इसमें ब्री लासन को कैरल डैनवर्स कैप्टन मार्वल के रूप में, डियोना पेरिस को मोनिका रामब्यू के रूप में और इमान वेलानी को कमला खान सुश्री मार्वल के रूप में, जावे एश्टन, गैरी लुईस, पार्क सेओ जून, ज़ेनोबिया श्रॉफ, मोहन कपूर, सागर शेख और के साथ अभिनय किया गया है। सैमुअल एल जैक्सन। फिल्म में डैनवर, रामब्यू और खान मार्वल्स के रूप में टीम बनाते हैं, जब वे हर बार अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ स्थानों की अदला बदली करना शुरू करते हैं। मार्वल स्टूडियोज ने जुलाई 2019 में कैप्टन मार्वल का सीक्वल बनाने की योजना की पुष्टि की। टेलीविजन मिनी सीरीज वांडाविजन 2021 पर काम करने के बाद मैकडोनल को काम पर रखने के साथ जनवरी 2020 में विकास शुरू हुआ। लासन डैनवर्स के रूप में पहली फिल्म से वापसी करने के लिए तैयार थे और उस अगस्त में निर्देशन के लिए डाकोस्टा को काम पर रखा गया था। दिसंबर में पेरिस को वांडाविजन से रामव्यू के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने का पता चला था, साथ ही वेलानी सुश्री मार्वल से कमला के रूप में लौट रही थी। दूसरी यूनिट का फिल्मांकन अप्रैल 2021 के मध्य में न्यू जर्सी में शुरू हुआ और शीर्षक तीन पात्रों और उनकी समान क्षमताओं को संदर्भित करता है मई की शुरुआत में सामने आया था। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और मई 2022 के मध्य तक बकिंघमशायर के पाइनवुड स्टूडियो और सरे इंग्लैंड के लॉन्विक्रॉस स्टूडियो के साथ साथ लॉस एंजल्स और ट्रोपिया इटली में संपन्न हुई। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान करासिक की संलिप्तता का खुलासा हुआ। द मार्वल्स का प्रीमियर 7 नवंबर 2023 को लास वेगास में हुआ और MCU के चरण 5 के हिस्से के रूप में 10 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिसमें प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की गई लेकिन स्क्रिप्ट और टोन संबंधी विसंगतियों के लिए आलोचना की गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। $274.80 मिलियन के सकल उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $206 मिलियन की कमाई की, जिसने इसे MCU में सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बना दिया और कुछ MCU फिल्मों में से एक थी जो अपने नाटकीय प्रदर्शन में भी पीछे नहीं रही। कथानक कैरल डैनवर्स सुप्रीम इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नष्ट कर देती है जो क्री साम्राज्य का नेतृत्व करती है। इससे क्री ग्रह हला ग्रह पर ग्रह युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे ग्रह बंजर हो जाता है क्योंकि अगले 30 वर्षों में यह अपनी हवा पानी और सूरज की रोशनी खो देता है। क्री के नए नेता डार बेन ने दो प्रसिद्ध क्वांटम बैंडों में से एक की खोज की, जिसका उपयोग एक नेटवर्क बनाने के लिए किया गया था जो अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा की अनुमति देता है। वह नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले एक नए जंप पॉइंट को जबरन खोलने के लिए बैंड का उपयोग करती है। परिणामी विसंगति पूरे नेटवर्क को प्रभावित करती है, जिसमें पृथ्वी के SABER के पास एक जंप पॉइंट भी शामिल है। निक फ्यूरी द्वारा संचालित अंतरिक्ष स्टेशन कैप्टन मोनिका रामब्यू SABER के पास जंप पॉइंट की जांच करती है, जबकि डैनवर डार बेन द्वारा खोले गए नए की जांच करता है। जब वे अपने संबंधित जंप पॉइंट को छूते हैं तो रामव्यू को डैनवर के स्थान पर ले जाया जाता है, कमला खान जिसके पास पृथ्वी पर दूसरा क्वांटम बैंड है को रामव्यू के स्थान पर ले जाया जाता है और डैनवर को कमला के घर ले जाया जाता है। तीनों ने क्री दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी अलग अलग प्रकाश आधारित शक्तियों का उपयोग किया, जिससे खान परिवार का घर नष्ट हो गया। तीनों के अपने मूल स्थानों पर लौटने के बाद फ्यूरी और रामव्यू पृथ्वी पर कमला से मिलने जाते हैं। रामव्यू का अनुमान है कि उनकी प्रकाश आधारित शक्तियां क्वांटम उलझाव के माध्यम से जुड़ी हुई है और जब तीनों में से कोई एक साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करता है तो वे स्थान बदल लेते हैं। वे टानेक्स ग्रह पर एक सरल शरणार्थी कॉलोनी में शामिल होते हैं, जिसे खोजने में डैनवर्स ने मदद की थी और जहां क्री के साथ एक शांति संधि पर बातचीत की जा रही है। जब वार्ता टूट जाती है तो डार बेन एक और जंप पॉइंट खोलता है जो हला के लिए सांस लेने योग्य हवा को बहाल करने के लिए टानेक्स से वातावरण को बाहर निकालता है। कॉलोनी को खाली करने के जल्दबाजी के प्रयास के बाद डैनवर, रामव्यू और कमला ने एक टीम बनाई जिसे कमला ने द मार्वल्स नाम दिया। डैनवर्स बताते हैं कि डार बेन के बार बार जंप पॉइंट टूटने से नेटवर्क में अस्थिरता पैदा हो रही है और पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल रहा है। वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि डार बेन उन ग्रहों को लक्षित कर रहा है जो डैनवर के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें डार बेन हला के विनाश के लिए दोषी मानते हैं। मार्वल्स जल ग्रह अलादना तक पहुंचते हैं और डार बेन के आने से पहले स्थानीय लोगों को चेतावनी देते हैं और एक छलांग बिंदु को तोड़ देते हैं, जिससे ग्रह का पानी हला की ओर आ जाता है। उसकी अंतिम योजना हला के सूर्य की ऊर्जा को बहाल करने के लिए पृथ्वी के सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना है।
डार्थ बेन ने कमला के बैंड को चुरा लिया और दोनों बैंड का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन यह डार्थ बेन को नष्ट कर देता है, मार्वल्स की उलझन को समाप्त करता है और वास्तविकताओं के बीच एक दरार छोड़ देता है। कमला ने बैंड को पुनः प्राप्त किया और रामव्यू को सक्रिय करने के लिए डेनवर में शामिल हो गई, जिससे उसे दूसरी तरफ से छेद को बंद करने की अनुमति मिली, लेकिन वह इस प्रक्रिया में फंस गई। कमला पृथ्वी पर लौट आती है और डेनवर उसे पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके हालांकि सूर्य में उड़ जाता है। अल्पकालिक टीम अपने कमला को अन्य युवा नायकों की तलाश करने और केट बिशप के साथ शुरुआत करते हुए एक नया समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। मध्य क्रेडिट दृश्य में रामव्यू एक समानांतर ब्रह्मांड में जागती है, जहां उसका स्वागत बाइनरी उसकी मां मारिया का एक वैकल्पिक संस्करण और उत्परिवर्ती वैज्ञानिक हैंक मैकॉय द्वारा किया जाता है। ढालना कैरल डेनवर कैप्टन मार्वल के रूप में ब्री लासन, एक बदला लेने वाली और संयुक्त राज्य वायुसेना की पूर्व लड़ाकू पायलट, जिसका डीएनए एक दुर्घटना के दौरान बदल गया था, जिसने उसे अलौकिक शक्ति, ऊर्जा प्रक्षेपण और अवशोषण और उड़ान प्रदान की। लासन ने कहा कि कैप्टन मार्वल 2019 में उनकी मूल कहानी स्थापित होने के बाद फिल्म डेनवर के चरित्र की जटिलताओं को गहराई से उजागर करेगी। एवेंजर्स एंडगेम 2019 की घटनाओं के बाद से डेनवर ज्यादातर पृथ्वी से दूर गहरे अंतरिक्ष में रहे हैं। लासन ने कहा कि ये किरदार वर्कोहोलिक हो गया था और उसका अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क टूट गया था। मोनिका रामव्यू के रूप में टेयोना पेरिस, SABER के लिए एक अंतरिक्ष यात्री जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सभी तरंग दैर्ध्य में हेरफेर करने की क्षमता रखता है। वह डेनवर की दिवंगत मित्र और साथी एयरवुमन मारिया रामव्यू की बेटी है और एक बच्चे के रूप में डेनवर को देखती थी। पेरिस ने कहा कि मार्वल्स डिज्नी प्लस मिनिस्ट्रीज वांडाविशन 2021 में स्थापित रामव्यू से आगे की खोज करेगा। भूमिका की तैयारी के लिए उसने बॉक्सिंग की। कमला खान सुश्री मार्वल के रूप में इमान वेलानी, जर्सी शहर की एक किशोर उत्परिवर्ती जो डेनवर को अपना आदर्श मानती है और क्वांटम बैंड पहनती है, एक जादुई चूड़ी जिसने ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दोहन करने और कठोर प्रकाश निर्माण करने की उसकी क्षमता को खोल दिया। कमला अपने नायकों डेनवर्स और रेव्यू से विस्मय में है, जिनकी निर्माता केविन फीगे ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 में पीटर पार्कर की भूमिका से तुलना की। फिल्म में कमला की आंदोलन शैली की तैयारी के लिए वेलानी ने पाकौर का अभ्यास किया। जावे एश्टन डार्थ बेन के रूप में क्री नेता जो गृह युद्ध के बाद अपनी मातृभूमि को बहाल करने की कोशिश कर रही है। वह यूनिवर्सल वेपन का उपयोग करती है, एक बड़ा हथौड़ा जिसका उपयोग पहले क्री कट्टरपंथी रोनन द एक्यूसर द्वारा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 में किया गया था। निदेशक निया डेकोस्टा ने एश्टन को अपने प्रशिक्षण में चपलता और ताकत को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया। एश्टन के मंगेतर टॉम हिडलेस्टन, जो एमसीयू में लोकी की भूमिका निभाते हैं, ने उन्हें मार्वल खलनायक की भूमिका निभाने की सलाह दी। सम्राट ड्रोज के रूप में गैरी लुईस, टानेक्स ग्रह पर स्करल कॉलोनी के नेता। प्रिंस यान के रूप में पाक सियो जून, अलादना ग्रह का करिश्माई राजकुमार जो डेनवर का पति और सहयोगी है। मुनीबा खान के रूप में ज़ेनोबिया श्रॉफ, कमला की माँ। यूसुफ खान के रूप में मोहन कपूर, कमला के पिता। आमिर खान के रूप में सागर शेख, कमला के बड़े भाई। निक फ्यूरी के रूप में सैमुअल एल जैक्सन, SHIELD के पूर्व निदेशक, जो अंतरिक्ष स्टेशन SABER पर काम कर रहा है। फिल्म का फ्यूरी संस्करण डिज्नी प्लस मिनिस्ट्री सीक्रेट इन्वेजन 2023 में देखे गए संस्करण की तुलना में बहुत हल्का और अधिक मजेदार है, जिसके लिए कार्यकारी निर्माता मैरी लिवानोस ने कैप्टन मार्वल में स्थापित फ्यूरी और डेनवर्स के बीच के रिश्ते को जिम्मेदार ठहराया। टेसा थॉम्पसन ने पिछली MCU फिल्मों में वाल्किरी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है और हेली स्टेनफेल्ड ने डिज्नी प्लस मिनी सीरीज हॉकाई 2021 में केट बिशप के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है। लशाना लिंच ने कैप्टन मार्वल में मोनिका की मां मारिया रामव्यू की भूमिका को दोहराया है। वह मारिया के एक वैकल्पिक संस्करण को भी चित्रित करती है, जो बाइनरी के अनुसार मिड क्रेडिट दृश्य में केल्सी ग्रामर के साथ डॉक्टर हैंक मैकॉय बीस्ट के रूप में दिखाई देती है। ग्रामर ने 20th सेंचुरी फॉक्स की एक्समैन फिल्मों एक्समैन द लास्ट स्टैंड 2006 और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 की अपनी भूमिका को दोहराया। लीला फरजाद और अब्राहम पोपुला ने SABER का किरदार निभाया है। श्रमिक तालिया और डेक क्रमशः और डेनियल इंग्स ने क्री वैज्ञानिक टाइरोन का चित्रण किया है। गूज कैरोल का पालतू फ्लेरकिन जो एक बिल्ली जैसा दिखता है, बिल्लियों निमो और टेंगो द्वारा निभाया गया है, जो पहली फिल्म के पिछले अभिनेताओं रेगी आर्ची रिजो और गोंजो की जगह लेता है। उत्पादन विकास कैप्टन मार्वल 2019 की रिलीज से पहले स्टार ब्री लासन ने चरित्र कमला खान सुश्री मार्वल की अगली कड़ी में रुचि व्यक्त की। निर्माता केविन फीगे ने पहले कहा था कि कैप्टन मार्वल की रिलीज के बाद कमला को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में पेश करने की योजना थी, क्योंकि कमला कैरल डेनवर्स कैप्टन मार्वल से प्रेरित हैं। इमान वेलानी को बाद में डिज्नी प्लस टेलीविजन मिनी सीरीज सुश्री मार्वल 2022 के लिए कमला के रूप में चुना गया। मार्च 2019 में फीगे ने कहा कि मार्वल स्टूडियोज के पास सीक्वल के लिए कुछ काफी अद्भुत विचार हैं, जिन्हें या तो 1990 के दशक में
पहली फिल्म की तरह या वर्तमान समय में सेट किया जा सकता है। लशाना लिंच ने अगली कड़ी में मारिया रामब्यू की अपनी भूमिका को दोहराने में रुचि व्यक्त की, भले ही वह वर्तमान पर आधारित हो। जुलाई में 2019 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फिगे ने एक सीक्वल की योजना की पुष्टि की। आधिकारिक विकास जनवरी 2020 में शुरू हुआ जब मेगन मैकडोनल ने मार्वल स्टूडियोज की डिज्नी प्लस मिनी सीरीज वांडाविजन 2021 में स्टाफ लेखक के रूप में काम करने के बाद स्क्रिप्ट लिखने के लिए बातचीत शुरू की। लासन के डेनवर्स के रूप में लौटने की पुष्टि की गई थी, लेकिन पहली फिल्म के निर्देशन और सह लेखन के बाद अन्ना बोडेन और रयान फ्लेक के वापस लौटने की उम्मीद नहीं थी। स्टूडियो को उम्मीद थी कि उनकी जगह एक महिला निर्देशक को नियुक्त किया जाएगा। उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म वर्तमान समय में सेट की जाएगी और 2022 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था। अप्रैल 2020 में डिज्नी ने फिल्म को 8 जुलाई 2022 को रिलीज करने के लिए शेड्यूल किया, जिससे जुलाई 2022 की तारीख भर गई, जिसे स्टूडियो ने पहले एक बिना शीर्षक वाली मार्वल फिल्म के लिए आरक्षित किया था। अगस्त में फिल्म का निर्देशन करने के लिए निया दाकोस्टा को काम पर रखा गया था। डेडलाइन हॉलीवुड के जस्टिन क्रोल ने इसे मार्वल स्टूडियो द्वारा अपनी फिल्मों में विविधता लाने का एक और संकेत बताया, क्योंकि डेकोस्टा स्टूडियो द्वारा निर्देशक के रूप में नियुक्त की गई पहली अश्वेत महिला थी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म संभवतः किसी द्वारा निर्देशित सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी। काली औरत स्टूडियो ने फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में ओलिविया वाइल्ड और जेमी बैबिट पर भी विचार किया था, लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय से डेकोस्टा इस दौर में सबसे आगे था। डेकोस्टा, एक स्वयंभू कॉमिक बुक विशेषज्ञ, ने वांडाविजन निर्माता मैरी लिवानोस के साथ फिल्म विकसित की, जिन्होंने उसे वह फिल्म बनाने के लिए रचनात्मक स्वतंत्रता दी जो वह चाहती थी। लासन ने कहा कि डेकोस्टा फिल्म का निर्देशन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे और उन्होंने उनकी पिच प्रस्तुति की प्रशंसा की। हॉलीवुड रिपोर्टर के रिचर्ड न्यूबी ने कहा कि डेकोस्टा की नियुक्ति एमसीयू और कैप्टन मार्वल फ्रेंचाइजी में नई ऊर्जा ला सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें पात्रों के बीच संबंधों और कहानियों के पीछे की कहानी के बारे में पूर्वकल्पित धारणाओं को चुनौती देने में मजा आता है। न्यूबी को यह भी लगा कि फिल्म वर्तमान अमेरिका में एक अश्वेत महिला मारिया रामब्यू की बेटी मोनिका के नजरिए से डेनवर्स की कहानी का पता लगा सकती है। डेकोस्टा की मूल पिच में एडम वॉरलॉक और समय यात्रा शामिल थी, लेकिन उन्हें बताया गया कि वॉरलॉक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम में दिखाई देंगे। 2023 और डिज्नी प्लस श्रृंखला लोकी 2021 वर्तमान पहले से ही समय यात्रा की कहानियों से निपटती है। डेकोस्टा ने फिल्म के संदर्भ के रूप में फाइनल फैंटेसी 7 एडवेंट चिल्ड्रन 2005 का भी हवाला दिया, खासकर इसके लड़ाई के दृश्यों और अंतिम अनुक्रम के लिए। फिगे ने दिसंबर 2020 में दी 11th ऑफ नवंबर 2022 की नई रिलीज तारीख के साथ कैप्टन मार्वल 2 की घोषणा की। उन्होंने डेकोस्टा की भागीदारी की पुष्टि की, खुलासा किया कि टेयोना पेरिस वांडाविजन से मोनिका रामब्यू के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी और कहा कि वेलानी कमला के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। पेरिस कैंडीमैन 2021 के बाद फिर से डेकोस्टा के साथ काम करने और डेनवर्स के साथ मोनिका के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित थे, जैसा कि वांडाविजन में छेड़ा गया था। लासन ने महसूस किया कि इस फिल्म में तीन पात्रों के मिलने से पहले कमला और रामब्यू को अन्य परियोजनाओं में एमसीयू में पेश करना कथात्मक रूप से समझ में आता है, जिस पर उन्होंने फिगे के साथ शुरुआत से चर्चा की थी। पूर्व उत्पादन प्री प्रोडक्शन का काम फरवरी 2021 में शुरू हुआ जब जावे एश्टन को फिल्म के खलनायक के रूप में चुना गया। उस समय तक सुश्री मार्वल के लिए सभी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, इसलिए मार्वल्स क्रिएटिव टीम ये जानने के लिए उन्हें पढ़ने में सक्षम थी कि उस श्रृंखला में कमला के साथ क्या होता है। मुख्य फोटोग्राफी मई के अंत में शुरू होने की उम्मीद थी, हालांकि कुछ दूसरी इकाई का फिल्मांकन 9 अप्रैल को जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में बकरी रोडियो शीर्षक के तहत हवाई फुटेज, स्थापित शॉट्स और हरी स्क्रीन प्लेटों को कैप्चर करने के लिए शुरू हुआ। मई में मार्वल स्टूडियोज ने खुलासा किया कि सीक्वल का नाम द मार्वल्स होगा। फिल्म के एथन एंडरटन ने कहा कि शीर्षक कैप्टन मार्वल और सुश्री मार्वल दोनों को संदर्भित करता है, क्योंकि फिल्म के लोगो में सुश्री मार्वल श्रृंखला के लोगो से समान शैली वाला एस शामिल था। द हॉलीवुड रिपोर्टर में ग्रीम मैकमिलियन ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया, लेकिन यह भी सोचा कि क्या 1994 की कॉमिक्स श्रृंखला मार्वल्स के साथ कोई संबंध था जो एक फोटोग्राफर के दृष्टिकोण से मार्वल यूनिवर्स की विभिन्न घटनाओं को बताता है या 2020 में घोषित इसी नाम की परियोजना के साथ। उन्होंने ये भी सोचा कि क्या द मार्वल्स का तात्पर्य नायकों के परिवार से है, जो डीसी कॉमिक्स के मार्वल फैमिली, जिसे अब शाज़म फैमिली के नाम से जाना जाता है, की तरह है। उस महीने के अंत में यूनाइटेड किंगडम में प्री प्रोडक्शन कार्य शुरू हुआ। पाक से जून को जून के मध्य में एक अज्ञात भूमिका में लिया गया था और फिल्म कंक्रीट यूटोपिया 2023 पर काम पूरा करने के बाद उत्पादन में शामिल होने के लिए तैयार किया गया था। उनकी भूमिका अलादना ग्रह के राजकुमार यान के रूप में बताई गई थी। लासन और पेरिस ने अगले महीने फिल्मांकन की तैयारी शुरू कर दी। डेकोस्टा ने कहा कि द मार्वल्स विशिष्ट, व्यक्तिगत और कभी कभी दुखद चीजों से निपटेगा, जैसे कि लोग दर्द और आघात से कैसे निपटते हैं,
लेकिन उनकी फिल्मों लिटिल वुड्स 2018 और कैंडीमैन की तुलना में हल्की कहानी होगी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में द मार्वल्स में उन्हें अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता थी। फीगे ने कहा कि डैनवर, कमला और रामव्यू के बीच की गतिशीलता फिल्म का केंद्र थी और उन्होंने उनकी टीम अप की तुलना द एवेंजर्स 2012 में एवेंजर्स के गठन से की। उन्होंने खुलासा किया कि द मार्वल्स में मजेदार ब्रह्मांडीय तत्व होंगे, जिनमें रॉय थॉमस की 1971 की क्रिस करल वॉर कॉमिक बुक कहानी के कुछ अंश भी शामिल हैं। कहानी सीधे कैप्टन मार्वल के अंत से शुरू होगी। उन्होंने फिल्म को एमसीयू मिनिस्ट्री सीक्रेट इन्वेजन 2023 से बिल्कुल अलग बताया, जो कैप्टन मार्वल का एक और अनुवर्ती है। ऐसा माना जाता था कि श्रृंखला फिल्म के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मार्वल्स गुप्त आक्रमण की घटनाओं को काफी हद तक नजरअंदाज कर देता है। टीवी लाइन में मैट वेब मिटोविच ने अनुमान लगाया कि मार्वल का इरादा द मार्वल्स को सीक्रेट इन्वेजन से पहले सेट करने का था, ये देखते हुए कि सीक्रेट इन्वेजन के जून 2023 प्रीमियर से पहले फिल्म की कई पिछली रिलीज डेट थी, लेकिन यह धारणा अभी भी सभी जगह निरंतरता के मुद्दों को छोड़ देती है। फिल्म आने मुख्य फोटोग्राफी द 31st of May 2021 को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन द 26th of July 2021 को बकिंघमशायर के पाइनवुड स्टूडियो और इंग्लैंड के लॉन्गक्रॉस सरे में लॉन्गक्रॉस स्टूडियो में शुरू हुई। सीन बॉबबिट सिनेमेटोग्राफर थे। लासन ने पुष्टि की कि उन्होंने द 10th of August को फिल्मांकन शुरू कर दिया है, और कुछ ही समय बाद सैमुअल एल जैक्सन ने खुलासा किया कि वह निक फ्यूरी के रूप में अपनी एमसीयू भूमिका को फिर से निभाएंगे। उसी समय लंदन में इस पर काम करेंगे जब वह फिल्म सीक्रेट इन्वेजन की तैयारी कर रहे थे। द मार्वल्स का फिल्मांकन द 27th of August से इटली के ट्रोपिया में हुआ, जिसमें टायरानियन सागर का तट भी शामिल था। द 3rd of September को पार्क फिल्मांकन शुरू करने के लिए लॉस एंजल्स के लिए रवाना हुआ। कुछ ही समय बाद सागर शेख, ज़ेनोबिया श्रॉफ और मोहन कपूर को सुश्री मार्वल से कमला के बड़े भाई आमिर, माँ मुनीबा और पिता यूसुफ के रूप में अपनी संबंधित भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाया गया। अक्टूबर 2021 में फिल्म की रिलीज को द 17th of February 2023 तक विलंबित कर दिया गया। पार्क ने 2 महीने तक अपने दृश्यों की शूटिंग की और द 2nd of November तक इंग्लैंड में फिल्मांकन पूरा कर लिया। प्रोडक्शन डिजाइनर कारा ब्राउनर ने कहा कि फिल्म का पैमाना और दायरा बहुत बड़ा था, जो कि डिकोस्टा के साथ उनके काम के विपरीत था। कैंडीमैन पर प्रोडक्शन ने 5 अलग अलग ग्रहों अलाडना सहित और अंतरिक्षयान SABER के लिए पाइनवुड और लॉन्गक्रॉस स्टूडियो में 54 सेट बनाए। अंतरिक्ष स्टेशन, मारिया रामब्यू का घर और खान परिवार का घर। डिकोस्टा चाहता था कि प्रत्येक ग्रह का एक अलग डिजाइन हो। अप्रैल 2022 में एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के साथ स्थानों की अदला बदली करते हुए फिल्म की रिलीज को द 28th of July 2023 तक बढ़ा दिया गया, क्योंकि वह फिल्म निर्माण में आगे थी। द मार्वल्स का फिल्मांकन अगले महीने के मध्य तक पूरा हो जाएगा। डाक उत्पादन, जैक्सन ने जून 2022 के मध्य में खुलासा किया कि वह सीक्रेट इन्वेजन के लिए ऐसा करने से पहले द मार्वल्स के रीशूट पर काम करने के लिए अगस्त में लंदन लौटेंगे और मार्वल जुलाई के अंत तक उन रीशूट की तैयारी कर रहा था। उस महीने लासन ने सुश्री मार्वल के आखिरी एपिसोड नो नॉर्मल में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की, उस फुटेज के माध्यम से जिसे डिकोस्टा ने द मार्वल्स के लिए फिल्माया था। डिकोस्टा को नहीं पता था कि जब उसने इसे फिल्माया था तो फुटेज का इस तरह से उपयोग किया जाएगा, और सुश्री मार्वल में इसका समावेश निर्देशक आदिल एल अरबी और बिलाल फल्लाह के लिए भी एक आश्चर्य था। दृश्य प्रभाव प्लेटों को कैप्चर करने के लिए द मार्वल्स का फिल्मांकन अगस्त की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर के बैटरी पार्क में हुआ। जनवरी 2023 में डिकोस्टा के बारे में पता चला कि उन्होंने एलिसा कारासिक और जेब वेल्स के साथ फिल्म की पटकथा पर भी काम किया था, जिन्होंने क्रमशः लोकी और एमसीयू मिनिस्ट्रीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ 2022 पर एक लेखक के रूप में काम किया था। हालांकि केवल डिकोस्टा, मैकडॉनल्ड और कारासिक को श्रेय दिया गया। फरवरी 2023 में फिल्म की रिलीज को द 10th ऑफ नवंबर 2023 तक विलंबित कर दिया गया, क्योंकि डिज्नी और मार्वल स्टूडियो अपने कंटेंट आउटपुट और लागत का पुनर्मूल्यांकन कर रहे थे। इससे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अधिक समय मिल गया। द रिंगर की जोआना रॉबिन्सन ने अप्रैल में रिपोर्ट दी थी कि फिल्म बड़े पैमाने पर बदलाव के दौर से गुजर रही थी और कथित तौर पर कहानी को सुसंगत बनाने के लिए 4 सप्ताह तक दोबारा शूटिंग की गई थी। अप्रैल 2023 में रिलीज हुए पहले ट्रेलर से पता चला कि एश्टन डार बेन की भूमिका निभा रहे थे और डेनियल इंग्स को टाइरोन के रूप में चुना गया था। लिंच को तब मारिया रामब्यू के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की सूचना मिली थी। साथ ही कोबी स्मल्डर्स और रांडेल पार्क के साथ मारिया हिल और जिमी वू के रूप में उनकी संबंधित एमसीयू भूमिकाओं में, हालांकि स्मल्डर्स ने जून में अपनी भागीदारी से इनकार कर दिया था। इसके अलावा जून में गैरी लुइस के सम्राट ड्रोज की भूमिका निभाने वाले कलाकारों में शामिल होने का खुलासा हुआ था और मार्वल स्टूडियोज ने टेक्सास में फिल्म की एक सार्वजनिक परीक्षण स्क्रीनिंग आयोजित की थी। ये स्टूडियो द्वारा एक अस्वाभाविक कदम था और स्क्रीनिंग को कथित तौर पर मिश्रित प्रतिक्रिया मिली थी। नवंबर की शुरुआत में अंतिम ट्रेलर जारी होने पर टेसा थॉम्पसन को फिल्म में वाल्किरी की अपनी एमसीयू भूमिका को दोहराने का पता चला था।
जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके तुरंत बाद हेली स्टेनफेल्ड और केल्सी ग्रामर के फिल्म में होने की बात सामने आई। उन्होंने डिज्नी प्लस मिनी सीरीज हॉकाई 2021 से केट बिशप और 20th सेंचुरी फॉक्स के एक्समैन से डॉक्टर हैंक मैककॉय बीस्ट की अपनी भूमिकाओं को दोहराया। फिल्में एक्समैन द लास्ट स्टैंड 2006 और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014। ग्रामर अपनी भूमिका में लौटने के लिए उत्साहित थे, जिसे उन्होंने हमारी संस्कृति में गंभीरता और महत्व का एक वास्तविक चरित्र के रूप में वर्णित किया और आशा व्यक्त की कि इससे एमसीयू में और अधिक उपस्थिति होगी। कैटरिन हेडस्ट्रॉम और इवान शिफ ने फिल्म का संपादन किया। हेडस्ट्रॉम ने पहले कैंडीमैन पर डेकोस्टा के साथ काम किया था। फिल्म के लिए दृश्य प्रभाव इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, राइज एफएक्स, राइजिंग सन पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स, ट्रिकस्टर, वेटा एफएक्स और वाइली कंपनी द्वारा बनाए गए थे। तारा डेमा को दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक थे। संगीत मुख्य लेख द मार्वल्स साउंडट्रैक। जनवरी 2022 में लॉरा कार्पमैन को फिल्म के लिए इसको तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था। इससे पहले एमसीयू टेलीविजन श्रृंखला व्हाट इफ के पहले सीजन के लिए ऐसा किया गया था। 2021 और सुश्री मार्वल। डेकोस्टा ने कार्पमैन को व्यक्तिगत पात्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय नामात्र की टीम के लिए एक नई थीम लिखने के लिए कहा, जैसे कि एवेंजर्स ने व्यक्तिगत चरित्र विषयों के बजाय एक टीम थीम पर ध्यान केंद्रित किया था। कार्पमैन ने फिल्म के मुख्य विषय उच्चतर आगे तेज एक साथ को एक चयनित पारिवारिक विषय के रूप में वर्णित किया, जो डेनवर, रामव्यू और कमला के तत्वों को जोड़ता है। थीम का अंत लैटिन में गाना बजाने वालों के उच्च आगे तेज एक साथ मंत्रोच्चार के साथ होता है। डार बेन की स्लेथरी एंड जैजी थीम मुख्य रूप से बांसुरी पर बजाई जाती है और हर्बी हैनकॉक के संगीत से प्रेरित थी। जॉन ओटमैन की एक्स मेन थीम X2 2003 और एक्स मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट को मिड क्रेडिट दृश्य के दौरान सुना जाता है। एक सूट जिसे कार्पमैन ने मुख्य विषय गति के माध्यम से लेने के लिए लिखा था, जिसका शीर्षक द मार्वल सूट था, 3 June 2023 को फिलाडेल्फिया ऑर्केस्ट्रा में प्रदर्शित किया गया था। उच्चतर आगे तेज एक साथ 9 September को BBC प्रोम्स की लास्ट नाइट में प्रीमियर हुआ और 2 November को डिजिटल सिंगल के रूप में रिलीज किया गया। कार्पमैन के स्कोर के लिए एक साउंडट्रैक एल्बम हॉलीवुड रिकॉर्ड्स और मार्वल म्यूजिक द्वारा 8 November को जारी किया गया। विपणन लासन पेरिस और वेलानी फिल्म को बढ़ावा देने और विशेष फुटेज दिखाने के लिए 2022 D23 एक्सपो में उपस्थित हुए। एक टीजर ट्रेलर जिसमें बीस्टी बॉयज का गाना इंटरगैलेक्टिक दिखाया गया था का प्रीमियर 11 April 2023 को गुड मॉर्निंग अमेरिका पर हुआ। कोलाइडर के एडिडियन मबोहो ने महसूस किया कि टीजर उस आकर्षण और एक्शन को पेश करता है जिसके लिए एमसीयू जाना जाता है। द वर्ज में चार्ल्स पुलियम मूर ने कहा कि ट्रेलर से पता चलता है कि डेनवर, रामव्यू और कमला आखिरकार एक अच्छी टीम बनाने जा रहे हैं और उन्होंने सोचा कि प्ले स्विचिंग फाइट सीक्वेंस एमसीयू के सबसे आविष्कारशील हो सकते हैं। टीजर में जैक्सन की उपस्थिति को कुछ टिप्पणीकारों ने सीक्रेट इन्वेजन के अंत को बिगाड़ने वाला माना था, क्योंकि इससे संकेत मिलता था कि फ्यूरी श्रृंखला की घटनाओं से बच जाता है। इस अटकल के बावजूद कि चरित्र इसके अंत तक मर सकता है, मार्वल स्टूडियोज और बिक ने फिल्म से प्रेरित सीमित संस्करण पेन बनाने के लिए साझेदारी की, साथ ही राइट विद माइट स्वीपस्टेक्स भी बनाया, जिसने फिल्म के प्रीमियर की यात्रा जीतने का मौका दिया। फिल्म को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल नए सीमित संस्करण स्मूथी बनाना चाहे को लॉन्च करने के लिए पिटापिट ने मार्वल स्टूडियोज और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के साथ भी साझेदारी की थी। September 2023 में डेकोस्टा ने चिंता व्यक्त की कि वह अपने दम पर फिल्म का प्रचार करेगी, क्योंकि कलाकार 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के दौरान मार्केटिंग में भाग लेने में सक्षम नहीं थे। हड़ताल अंततः फिल्म के प्रीमियर के बाद तक समाप्त नहीं हुई, जो 7 November को लास वेगास में कलाकारों के बिना आयोजित किया गया था। मार्वल ने सॉफ्टवेयर कंपनी ऑटोडेस्क के साथ मिलकर 13 November तक स्फीयर पर डेनवर के बिल्ली जैसे पालतू जानवर गूस का वीडियो प्रदर्शित किया। हड़ताल 9 November को समाप्त हुई और लासन को अगले दिन द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में प्रदर्शित होने के लिए बुक किया गया। फिल्म को प्रमोट करने के लिए मुक्त करना थिएट्रिकल द मार्वल्स का प्रीमियर 7 November 2023 को लास वेगास में हुआ। इसे दक्षिण कोरिया में 8 November को और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में 10 November को आईमैक्स स्क्रीन एक्स और 4DX में रिलीज किया गया। शुरुआत में फिल्म के आईमैक्स रिलीज होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ड्यून पार्ट 2 3 November को रिलीज होने वाली थी और 5 से 6 सप्ताह के लिए सभी आईमैक्स स्क्रीन पर इसकी पहुंच थी। आईमैक्स कॉर्पोरेशन के सीईओ रिचर्ड गेलफोंड ने कहा कि कंपनी आईमैक्स में द मार्वल्स दिखाने पर जोर देगी, क्योंकि SAG-AFTRA की हड़ताल के कारण ड्यून भाग 2 में देरी होनी चाहिए और इसकी पुष्टि अगस्त में हुई थी, जब फिल्म को मार्च 2024 में स्थानांतरित कर दिया गया था। November 2023 रिलीज की तारीख द मार्वल्स 8 July 2022, 11 November 2022, 17 February 2023 और 28 July 2023 निर्धारित की गई थी। यह MCU के चरण 5 का हिस्सा है।
होम मीडिया। यह फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज होम एंटरटेनमेंट द्वारा 16 जनवरी 2024 को डिजिटल डाउनलोड पर और 7 फरवरी को डिज्नी प्लस पर रिलीज की गई थी। ये 13 फरवरी को अल्ट्रा HD ब्लू रे और DVD पर रिलीज होने वाली है। इसमें हटाए गए दृश्य और पर्दे के पीछे के फीचर शामिल हैं। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। मार्वल्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $84.50 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $121.60 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $206.10 मिलियन की कमाई हुई। ये MCU में सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा है। यह $439.60 मिलियन के कथित ब्रेक इवन पॉइंट से कम है, जबकि कथित तौर पर लाभदायक बनने के लिए इसे लगभग $700 मिलियन कमाने की आवश्यकता है। कुछ प्रकाशनों ने फिल्म को MCU फ्रेंचाइजी का पहला बॉक्स ऑफिस बम करार दिया है। इसके बावजूद ये ए रिंकल इन टाइम 2018 को पीछे छोड़ते हुए एक अश्वेत महिला द्वारा निर्देशित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में द मार्वल्स को मूल रूप से अपने शुरुआती सप्ताहांत में 4030 थिएटरों से लगभग $60 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। पहले दिन $21.3 मिलियन, गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $6.6 मिलियन सहित कमाने के बाद अनुमान घटाकर $47 to $52 मिलियन कर दिया गया। इसने बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल करते हुए $46.10 मिलियन की कमाई की और एक अश्वेत महिला निर्देशक के लिए सबसे अच्छा शुरुआती सप्ताहांत दर्ज किया। हालांकि ये MCU फिल्म के लिए सबसे कम शुरुआती सप्ताहांत भी रहा, जिसने द इनक्रेडिबल हल्क 2008 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $10.12 मिलियन कमाए और नवागंतुक द हंगर गेम्स, द बैलाड ऑफ सोनबर्ड्स एंड स्नेक्स, ट्रॉल्स बैंड टुगेदर और थैंक्सगिविंग के बाद चौथे स्थान पर रही। ये पहले सप्ताहांत से 78% की गिरावट थी, जो किसी भी हॉलीवुड सुपरहीरो फिल्म के लिए दूसरे सप्ताहांत की सबसे बड़ी गिरावट थी। मार्वल्स ने अपने तीसरे सप्ताहांत में $6.40 मिलियन कमाए और छठे स्थान पर रहे। द 3rd of December को फिल्म के चौथे सप्ताहांत के दौरान डिज्नी ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस को खत्म बताया और कहा कि स्टूडियो अब अपने सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस की कमाई की रिपोर्ट नहीं करेगा, बावजूद इसके कि फिल्म नए साल की छुट्टियों के दौरान सिनेमाघरों में चलती रहेगी। इसने अपने चौथे सप्ताहांत में $2.40 मिलियन की अतिरिक्त कमाई की और शीर्ष 10 से 11 स्थान पर आ गई। इस बात पर चर्चा करते हुए कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन इतना कम क्यों था, डेडलाइन हॉलीवुड के एंथनी डी एलेसेंड्रो ने उन दावों को खारिज कर दिया कि फिल्म सामान्य सुपरहीरो थकान से प्रभावित थी और इसके बजाय कमजोर मार्केटिंग और डिज्नी प्लस पर MCU सामग्री के अत्यधिक प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया। डिज्नी के CEO बॉब ईगर ने भी फिल्म की विफलता के लिए बड़ी मात्रा में MCU सामग्री को जिम्मेदार ठहराया, जिसे डिज्नी ने अपनी स्ट्रीमिंग सेवा के लिए तैयार किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्पादन के दौरान डिज्नी के अधिकारियों द्वारा दिन प्रतिदिन की अपर्याप्त निगरानी भी आंशिक रूप से जिम्मेदार थी। कई टिप्पणीकारों ने इस बयान पर आपत्ति जताई। कुछ ने कहा कि मार्वल को उनकी सभी परियोजनाओं पर बहुत अधिक कार्यकारी निरीक्षण के लिए जाना जाता है। अन्य लोगों को लगा कि ईगर गलत तरीके से सारा दोष डाकोस्टा पर डाल रहा है और ऐसे कई उदाहरणों का उल्लेख किया जहां ईगर की टिप्पणियों से पहले डिज्नी द्वारा डाकोस्टा को गलत तरीके से निशाना बनाया गया था। गिज़मोडो के जेम्स विटेब्रुक ने कहा कि स्टूडियो की डाकोस्टा की बढ़ती सार्वजनिक आलोचनाएं अजीब लगने लगी हैं और उन्होंने कहा कि द मार्वल्स बॉक्स ऑफिस पर असफल होने वाली डिज्नी की एकमात्र 2023 फिल्म नहीं थी। अहमियत भरा जवाब। समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टोमेटोज ने 350 समीक्षाओं के आधार पर 5.9/10 के औसत स्कोर के साथ 62% की अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, मजेदार, ताजा संक्षिप्त और इसके तीन लीडों की केमिस्ट्री से उन्नत द मार्वल्स अपनी अव्यवस्थित कहानी और अव्यवस्थित टोनल बदलावों के बावजूद पल में आनंद लेना आसान है। मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 57 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया, जो MCU के सबसे कम स्कोर के लिए Eternals 2021 और Ant-Man and the Wasp: Quantumania 2023 के बराबर था, जबकि दर्शकों द्वारा सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। पोस्टर ट्रैक ने इसे 73% सकारात्मक स्कोर दिया। द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए लोविया ग्यारके ने डाकोस्टा के निर्देशन की गतिशील के रूप में प्रशंसा की और महसूस किया कि निर्देशन और अंतरंग कहानी कहने की शैली दर्शकों को मुख्य पात्रों को नए और मनोरंजक दृष्टिकोण से देखने देती है। पेस्ट के लिए एबी ऑल्सेज ने फिल्म को 8.5/10 रेटिंग दी और शैली के साथ खेलने और सुश्री मार्वल स्ट्रीमिंग श्रृंखला से सौंदर्य शास्त्र खींचने के लिए फिल्म की प्रशंसा की। ऑल्सेज ने महसूस किया कि डाकोस्टा की सुनिश्चित कुशल दिशा इस बात का उदाहरण है कि MCU क्या हो सकता था यदि फ्रेंचाइजी उदास प्रभावों और अतिरंजित विद्या में फंस न गई होती।
इसके विपरीत एनेमी के जेम्स मोट्रम ने फिल्म को 3/5 स्टार रेटिंग दी और महसूस किया कि फिल्म कभी भी डेकोस्टा के कैंडीमैन के समान जुड़ाव नहीं रखती है, यहां तक कि एक स्क्रिप्ट जो अच्छी लाइनों और इच्छुक कलाकारों से भरपूर है। प्रतिभागियों रोज़ एबर्ट कॉम की क्रिस्टी लेमाया ने फिल्म को 1.5 स्टार रेटिंग के साथ नकारात्मक समीक्षा दी, इसे भयानक कहा और कहा कि यह मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में अब तक की सबसे खराब फिल्म है जिसमें केवल संगीतमय क्षण अप्रत्याशित और बहुत कुछ है आवश्यक प्रसन्नता। मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत के बावजूद प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने मुख्य तिकड़ी को एक मनोरंजक अंतरिक्ष समूह के रूप में वर्णित किया। एबीसी न्यूज के पीटर ट्रेवर्स ने इसी तरह सराहना की कि अगर रसायन विज्ञान जैसी कोई चीज है तो लासन पेरिस और वेलानी के पास है। आईजीएन की अमेलिया एम्बरविंग ने घोषणा की कि वेलानी ने अनुमानित रूप से शो चुरा लिया। एम्पायर की हेलेन ओ'हारा ने दो वृद्ध नायकों के साथ वेलानी के कमला के हास्य और भावनात्मक गहराई की प्रशंसा की। एंटरटेनमेंट वीकली के क्रिश्चियन होल्ड ने फिल्म की फीकी समीक्षा की और कहा कि यह एक मिश्रित बैग है जो कई अलग अलग पात्रों और कथानकों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वेलानी की चमकते सितारे के रूप में प्रशंसा की। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।